गुजरात चुनाव की रणनीतियों को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची का दौर जारी है। दिल्ली में कांग्रेस हेड ऑफिस में राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बीच चर्चा चल रही है और अहमदाबाद की अगर बात करें तो वहां गुजरात कांग्रेस नेताओं और पाटीदार नेताओं के बीच भी एक बैठक हो रही है। पाटीदार समुदाय ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है और कांग्रेस गुजरात में पाटीदार समुदाय का समर्थन हासिल करने में लगी है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने समर्थन के लिए आरक्षण समेत कुछ मुद्दों की एक लिस्ट भी सौंपी है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने हार्दिक पटेल को कांग्रेस का समर्थन को लेकर अपना रुख साफ करने को कहा। दिल्ली में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि हार्दिक पटेल से समर्थन को लेकर बात आज बन जाएगी। तो गुजरात में पाटीदार समुदाय करीब 18% और चुनावों में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह से पाटीदारों का समर्थन हासिल कर लिया जाए। पारंपरिक तौर पर पाटीदार बीजेपी के साथ रहे हैं लेकिन चुनाव में पाटीदार का रुख अभी तक साफ नहीं है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस आरक्षण मुद्दे पर अपना स्टैंड 3 नवंबर तक रखने का समय दिया है। ट्वीट कर हार्दिक पटेल ने कहा कि 3 नवंबर 2017 तक कांग्रेस पाटीदार को संवैधानिक आरक्षण कैसे देगी, उस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर दे, नहीं तो अमित शाह जैसा मामला सूरत में होगा। तो कांग्रेस और पाटीदार नेताओं के बीच पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक सभी मुलाकातें जो हैं वो बेनतीजा रही। गुजरात के सीएम का कहना है कि कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है, हार्दिक पटेल अपना स्टैंड क्लियर करें। मुझे ऐसा लगता है इस मामले में कि कांग्रेस का स्टैंड पहले से ही क्लियर है, हार्दिक को स्टैंड क्लियर करना चाहिए क्योंकि हार्दिक की जो आंदोलन की डिमांड थी कि पाटीदार को ओबीसी में घोषित करना चाहिए, वो कांग्रेस तो पहले से नहीं कर रही है। रूपाणी की क्या बात है वो मेरे दिमाग में नहीं, कभी सोचते क्या बोलते क्या नहीं समझ नहीं आता, और जो बात है रूपाणी साहब की वो मेरे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गुजरात चुनाव में माहौल गर्माता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है लेकिन गुजरात चुनाव पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज। मिशन गुजरात ने हमारा पहला पड़ाव सानंद है। सानंद एक छोटा सा शहर है जो देखते ही देखते ऑटोमोबाइल हब बन गया। नैनो के बाद आसपास के इलाकों में फोर्ड मारुति होंडा ने अपने प्लांट्स लगाए और ऐसे में क्या सोचते हैं सानंद के लोग, औद्योगिक शहर सानंद का जायजा लिया मेरे सहयोगी सौरभ मनचांदा ने। और साथ ही वहां के लोगों से बात कर ये जानने की कोशिश की कि सानंद के लोग गुजरात चुनाव में किसे चुनेंगे। इस पर आप रात 8 बजे ग्राउंड जीरो जरूर देखिए लेकिन अब आपको सीधे मेरे सहयोगी केतन जोशी के पास ले चलते हैं। केतन, आप सानंद में हैं और आज जनता के बीच जी बिजनेस पहुंचा है, हालांकि सानंद जो है वो पूरा ऑटोमोबाइल हब बन गया है जब से नैनो आई है, लोगों का क्या कुछ कहना है और झुकाव किस तरफ नजर आता है? देखिए, सानंद है वो वाकई ऑटोमोबाइल हब बन गया है और भारत का डेट्रॉय बन गया है क्योंकि टाटा नैनो के आने से समूचे एरिया का है वो कायाकल्प हो गया है। एक ही उदाहरण मैं दूंगा कि सानंद में टाटा नैनो के आने से पहले जमीन का प्रति एक बीघा दाम था 80,000, जो आज अमूमन 50 लाख से 1.5 करोड़ तक का बढ़ गया है। तो लैंड प्राइस रॉकेट गति से आगे बढ़ गई है। करीब करीब सानंद और आसपास के 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है और अब तक जो हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक सानंद के लोग मौजूदा सरकार से काफ़ी खुश है। हालांकि वहां पर कांटे की टक्कर रहने वाली है। इससे पहले वहां पर कांग्रेस के जो विधायक है कमसी भाई मकवाना वो जीत कर आए थे लेकिन बाद में वो बीजेपी में चले गए हैं, तो इस बार वहां कांटे की टक्कर रहने वाली है। लेकिन लोग हैं वो विकास के मुद्दे को मानते हैं और जो डेवलपमेंट हुआ है न केवल सानंद का लेकिन समूचे सराउंडिंग 50 किलोमीटर का जो डेवलपमेंट हुआ है उससे काफ़ी खुश है और आज ग्राउंड जीरो पर हम इसी बात को मुद्दा बनाकर हम अपना रिपोर्ट भी पेश करने वाले हैं। बिल्कुल केतन, बने रहिए लगातार हमारे साथ रात 8 बजे खास कार्यक्रम
सौरभ मनचंदा और केतन जोशी लेकर आएंगे सीधे सानंद से, अहमदाबाद से दूर है सानंद लेकिन ऑटोमोबाइल हब पिछले दिनों बना है और गुजरात का ये शहर लोग क्या कुछ सोचते हैं। हालांकि केतन ने यही कहा कि जब लोगों से बातचीत हुई तो साफ हुआ कि मौजूदा सरकार से काफी खुश है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ये सब समझते हैं सानंद की जनता। और क्या कुछ सोचती है, कैसी रहेगी यहाँ पर, कांटे की टक्कर होगी या फिर आसानी से जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज से लोग अभी भी प्रभावित है और खुश है, ये जानेंगे रात 8 बजे।